शुक्रिया नाजिया क्या जा पाई है, थैंक यू सो मच। मातरम जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आरजू जी, और बहुत शुक्रिया। और आज हम बात भी राम मंदिर की ही करेंगे, और आपने जैसे कहा कि जय श्री राम, तो आज राम मंदिर की बात करेंगे, तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। और आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत मतलब है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाए, आई डोंट थिंक, ये ग्रीटिंग्स ही है एक तरह की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बता रही हूँ ना नाजिया इसका मतलब? ग्रीटिंग्स तो कह सकते हैं, आप कह सकती हैं, बट हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अच्छा ही मतलब है इसका, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कोई भी बोल सकता है। तो बिल्कुल हम आज क्योंकि राम मंदिर के ऊपर बात करेंगे, तो हम बिल्कुल, मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ, और हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको ऑब्जेक्शन भी है, कुछ तो खैर मान गए हैं, साथ साथ कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने पहले कहा था कि वो जाएंगी, अब सुना है कि नहीं जाएंगी, और उससे भी पहले उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान में भी बताया जाता है कि जी मूर्तियां तो रख दी थी वहां, तो कुछ था ही नहीं, और इस किस्म की चीजें चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की मुस्लिम महिलाएं राम मंदिर को लेके इतनी खुश क्यों है, क्यों उनके दिल में राम जी के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी। दोनों के बीच राम मंदिर को लेके काफी वार्तालाप हो रहा है, और साथ ही साथ आरजू काजमी जी ने जिस तरह से जय श्री राम कहा है, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि भारत की सनातन धर्म का आदर सत्कार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत, राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत, राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई, और 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु राम लल्ला की जगह वापस मिली है, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवेसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है, तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं, तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान राम की सजा आप सुनाना स्टार्ट कर दे, तब आपको कैसा लगेगा? देखिए अर्जु जी, मैं बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करूंगी, यूं ही नहीं राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल नहीं। उस दौर के हिंदुओं में जुनून था, उस दौर के हिंदुओं में आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी, और साथ साथ प्रभु राम का आशीर्वाद था, और तब जा करके ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, और तब जा करके 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर वापस आ रहे हैं। क्या इस बात से कोई दो राय रख सकता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में 2 डेकेड ये लड़ाई लड़ी गई है, 2 डेकेड कंटिन्यूसली, और ना जाने कितने बड़े बड़े वकीलों को कांग्रेस की सरकार से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च कर करके रामलला के जन्म स्थान को बाबर की अश्लीलता का बाजार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग इस धरती पर अवतार हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि वो तो भैया रामलला के जन्म स्थान ही था। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप साबित नहीं कर पाओगे। मगर नाजिया, बात सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी तो बहुत कुछ बोल रही है ना, उसको भी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो गांधी परिवार को तो मैं सनातनी या हिंदू तो मानती नहीं हूँ। एक अम्मा है फिरंगी औरत जो हिंदी बोलना नहीं जानती है, पूरी जिंदगी भारत में रहने के बावजूद भी उसको क्या पता आस्था, संस्कार, संस्कृति के बारे में? सोनिया गांधी क्या जानने गई कि आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, उसको क्या आइडिया है? उसने तो 14-14 वकीले लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में, वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा? वो तो एक फिरंगी औरत है, वो तो बार डांसर है, वो क्या जानने गई? अब आपने बात कही, अब ठीक है नेहरू को भी ले आते हैं, ले आती हूँ मैं, तो
नेहरू तो वो आदमी था जिसने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया इस्लामिक देश बनाने के लिए। नेहरू तो वो आदमी था जो के नैयर जैसे आईसीएस ऑफिसर को जबरदस्ती फोर्स करके रेस्टिकेट करवाया, क्योंकि आईसीएस ऑफिसर के दिल में भी प्रभु राम की श्रद्धा और विश्वास थी, और वो अयोध्या में ही आईसीएस ऑफिसर थे। और ये बात मैं आपको आज या कल की नहीं बता रही हूँ, मैं ये बात आपको 1949 की बता रही हूँ। मगर बाबरी मस्जिद पे जो हंगामा चला था वो तो कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था ना। कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामलला की जन्म स्थान सनातनियों को वापस मिले। नेहरू जी डायरेक्ट बात करते थे अयोध्या के चीफ मिनिस्टर से, ओए ताला लगाओ, जब तक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी कोर्ट नहीं देगा तब तक ताला लगा रहेगा। तो ये नेहरू ने किया था। नेहरू को कोई मतलब नहीं था, नेहरू को अपनी गद्दी से मतलब था। नेहरू को अगर अखंड भारत से मतलब होता तो नेहरू कभी पाकिस्तान बनने देता? नेहरू ने सोचा कहीं जिन्ना बन गया प्रधानमंत्री तो हम क्या करेंगे, तो उसने कह दिया कि मैं तो अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना रखूं जिन्ना को, तो भैया चलो गांधी के गोद में दोनों मिलकर के बैठ जाते हैं, और गांधी तो है ही वैसा, तो चलो पाकिस्तान इस्लामिक देश बना देते हैं और फिर भारत भारत को हम लिबरल बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, क्यों बना देते हैं? तो नेहरू ने बेसिकली उसको चाचा के नाम से याद किया जाता है, पर मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी कि उसने भारतवासियों को और खास करके भारत में रह रहे सनातनियों को पूरा का पूरा मामू बनाया, पूरा का पूरा मामू बनाया था नेहरू ने। और नेहरू की ऐसी अभद्र जो स्टेटमेंट है वो बहुत है, वो तो हमेशा अंग्रेजों के कमर पे हाथ और उनका सिगरेट जलाते रहता था, यही तो नेहरू का काम था भाई। फाइटर जेट में तो उसके यहाँ बर्थडे मनाया जाता था जिसमें आर्मी ऑफिसर को बैठना चाहिए था, जिसमें मेडिसिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवाना चाहिए था, जिसमें जहां पर फ्लड हो रहा है सैलाब हो रहा है वहां पर दाना पानी भिजवाना चाहिए था, उस फाइटर जेट में बैठ करके वो बर्थडे टट्टे मनाया करता था। तो नेहरू तो कपड़े पेरिस से धुलवाता था, आयरन करवा करके मंगवाता था। तो नेहरू तो बेसिकली इस राष्ट्र के हित में कोई काम किया नहीं, कोई भी काम नहीं किया है। अब आती है बात इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी में बहुत बुद्धि थी, वो साधु संतों और ग्रंथों के विश्वास को जीत करके वो चेयर पर जरूर बैठती थी, पर स्लॉटर भी साधुओं का ही करवाती थी, स्लॉटर भी साधुओं का ही करवाती थी, एकदम डायरेक्ट बोलती थी स्लॉटर करो, और लाख लाख साधुओं को एक साथ गोली मारी जाती थी। एक तरफ इंदिरा गांधी अपने स्टेटमेंट में कहती थी कि जो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से घुसपैठियां आए हैं भारत में उसको हम निकाल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनका उनका आधार कार्ड सॉरी आधार कार्ड नहीं उनका आइडेंटिटी कार्ड बना करके देती थी, उनको उनको घुसाती थी। तो गांधी परिवार को मुसलमानों से इसलिए मोहब्बत थी क्योंकि देखिए सनातनी जो होते हैं ना वो गला नहीं रेतेंगे, वो बलात्कार नहीं करेंगे, वो लव जिहाद नहीं करेंगे, वो औरतों की बोटियां नहीं करेंगे, वो औरत को मोलेस्ट नहीं करेंगे, वो औरत को बेइज्जत नहीं करेंगे, वो औरत के साथ अश्लीलता नहीं करेंगे, वो खून की नदियां नहीं बहाएंगे, तो ये सारे काम सनातनी नहीं कर सकते, उनसे नहीं होगा। तो बाजार को गर्म रखने के लिए गांधी परिवार हमेशा मुसलमानों को रोटी बोटी देता रहा, इसीलिए देता रहा कि भाई बलात्कार जरूरी है, औरत नहीं तो मुट्ठी में नहीं रहेगी। अरे भाई औरत है तो बलात्कार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे कश्मीर अगर 370 से पहले इतना खूबसूरत था तो काहे प्रियंका वाड्रा अब जा रही है भाई के साथ, पहले क्यों नहीं चली गई? जब नरसंहार और जेनोसाइड हो रहा था तब चले जाना चाहिए था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी भाई, तब चले जाना चाहिए था ना, तब प्रियंका वाड्रा नहीं गई, इस बुढ़ापे में कमर लचकाते हुए जा रही है। तो ये बात है। अब आती है बात कि ये जो बार बार डांसर सोनिया गांधी है, इसने क्या किया था? इसने जब 14 वकीले खड़ा किया था तो उन वकीलों के साथ साथ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुसलमान जज ने ये बात कही थी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो भगवान राम के का जन्म स्थान है। तो जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने राम जी के पक्ष में वेद और पुराण से 441 प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब वो जो मुसलमान जज थे वो उनको भी थोड़ा सा लगा, वो कहे कि नहीं हम तो इसको नहीं मानेंगे, अब आप इसको वेदों और पुराणों से साबित कीजिए। जगत गुरु रामभद्र आचार्य को कांग्रेस ने अरेस्ट करवाया, कांग्रेस ने जेल भिजवाया, कांग्रेस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाई, फिर भी वो व्यक्ति इतनी बड़ी आस्था के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने
उस तमाम प्रूफ दिया जो उन्होंने अपने जुबान से पहले कहा था, जिस पर मुस्लिम जज ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, आपको उन वेदों और ग्रंथों की ओरिजिनल बुक को ला करके बताना पड़ेगा, और उन्होंने 441 प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और यहाँ पे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजवी जी ने काफी क्वेश्चन भी किए कि भारत में राम मंदिर को लेके मुस्लिम महिलाएं इतनी उत्सुक क्यों हैं, और राम मंदिर के उद्घाटन में क्या क्या तैयारियां की हुई थी, और साथ ही साथ भारत में जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो इसका मतलब ये है कि रामलला को अब अपना स्थान मिल चुका है। हालांकि भगवान के लिए कोई स्थान हम नहीं बना सकते एज ए ह्यूमन, बट जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्पेस है वो उनको मिल चुका है, और 550 साल बाद लगभग रामलला पधारे हैं, और अयोध्या अब दीपावली से जगमग हो चुकी है, इवन पूरा देश अभी दीपावली मना रहा है। एक दीपावली नवंबर में थी और दूसरी बड़ी दीपावली अभी आपको इस 22 जनवरी को देखने को मिली है, और इससे पाकिस्तानियों के सीने में जरूर सांप लौटे हैं, क्योंकि आपने देखा एक मुस्लिम महिला जिसने भजन गाया था राम जी का, जो कि भारत के कश्मीर की रहने वाली है, इसके ऊपर जब पब्लिक से रिएक्शंस लिए गए तो उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम को हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और भजन गाना तो बहुत बड़ा पाप है। इस तरह के पाकिस्तानी जाहिलों के दिमाग से आप लड़ नहीं सकते, आप बस उनको सुनिए और अपना एंटरटेनमेंट कीजिए। तो इस तरह का पाकिस्तानियों का जहालत भरा दिमाग है, और ये हुआ क्यों है ये भी आपको समझना होगा। इसका मेन रीजन है एजुकेशन, और एजुकेशन जो है पाकिस्तान में सारा मजहबी है, और साइंस टेक्नोलॉजी इस पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, और दूसरे धर्मों के बारे में जानने से आप काफिर नहीं हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानने वाला काफिर होता है। तो इस तरह के जो मुल्ला मौलवी ने अपने कारखाने खोले हैं धर्म के नाम पे, उनके कारखाने बहुत जल्द बंद होने वाले हैं, क्योंकि जो यूथ है अब जागरूक हो चुका है, यूथ को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो कंपैरिजन करना जानते हैं। अभी तक सोशल मीडिया नहीं था तो उतना लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से सारे यूथ अब अवेयर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जिहादी माइंडसेट के लोग हैं जो कि मदरसा एजुकेशन में फंसे हुए हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन है ये भी आप समय समय पे देखते हैं, और उनका एक ही रिएक्शन रहता है कि भारत एक काफिर देश है, हम भारत पे कब्जा करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अब भारत में पधार चुके हैं रामलला और भारत की तरफ देखना बहुत भारी पड़ सकता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।